नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9, सर्वनाम, जिसे कि हम इंग्लिश में जानते हैं प्रोनाउन के नाम से। हम देखेंगे कि दिए गए वाक्य को ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। तो हमने पिछली कक्षा में संज्ञा को भी देखा था। अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम शब्द का प्रयोग उसके भेदों के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, वह खेल रहा है। बंदर को हम संज्ञा शब्द बंदर के नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या हुआ, बंदर। लेकिन बंदर की बात करते समय हम उसे सर्वनाम शब्द वह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वह, अर्थात हम बंदर के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द का स्थान वह ने ले लिया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम को हम जानते हैं कि जब संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर्वनाम होता क्या है, है ना? तो सर्वनाम का अर्थ है सबका वह नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या होती है इसकी परिभाषा, सबका वह नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जिसकी हम परिभाषा को देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसका, इसकी, उसका, उसकी, उन्हें, जिन्हें, कौन, क्या आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये सभी शब्द भिन्न भिन्न स्थितियों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमने क्या देखा है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर, जगहों पर किया जाता है। भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार संज्ञा शब्द के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें जो भी लाइंस, वाक्य हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कितने अटपटे से लगेंगे। मैं आपको ऐसे ही आगे उदाहरण देकर बता रही हूँ कि जैसे मंजीत मंजीत की बहन पिंकी के साथ बाल भारती विद्यालय में पढ़ता है। बाल भारती विद्यालय इस नगर का सबसे पुराना विद्यालय है। बाल भारती विद्यालय का भवन बहुत शानदार है तथा बाल भारती विद्यालय का नाम बाल भारती विद्यालय के शानदार परीक्षा परिणामों के लिए भी जाना जाता है। सब बाल भारती विद्यालय की प्रशंसा करते हैं। मंजीत और पिंकी बाल भारती विद्यालय में क्रमशः 8वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मंजीत और पिंकी का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष अच्छा रहता है, इसलिए मंजीत और पिंकी के माता पिता को मंजीत और पिंकी पर गर्व है। आपने देखा कि मंजीत, पिंकी तथा बाल भारती विद्यालय संज्ञाओं का प्रयोग बार बार करने से अनुच्छेद कैसा लग रहा है, ये जो हमने पढ़ा ऊपर पैराग्राफ, अनुच्छेद कितना अजीब सा लग रहा है। बार बार उन्हीं नामों को जब हम दोहराते जा रहे हैं तो कितने अटपटे से लग रहे हैं। यदि हम इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को लिखें तो अनुच्छेद कैसा लगेगा, एकदम आकर्षक लगने लगेगा, जिसको हम आगे इसमें परिवर्तन करके देखते हैं कि कैसा लगेगा। इस पैराग्राफ को, अनुच्छेद को हम वापस से पढ़ के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो हम देखेंगे कि मंजीत अपनी बहन पिंकी के साथ बाल भारती विद्यालय में पढ़ता है। यह इस नगर का सबसे पुराना विद्यालय है। इसका भवन बहुत शानदार है तथा इसका नाम अपने शानदार परीक्षा परिणामों के लिए जाना जाता है। सब इसकी प्रशंसा करते हैं। मंजीत और पिंकी इस विद्यालय में क्रमशः 8वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनका परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष अच्छा रहता है, इसलिए उनके माता पिता को उन पर गर्व है। स्पष्ट है कि एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करने से भाषा अटपटी लगती है, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, हमने कैसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों के भेदों के बारे में। सर्वनाम शब्द अनेक रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे हम निम्नलिखित 6 भागों में बांटते हैं। तो आपको भी जब अपनी कॉपी में संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों के भेदों को लिखना है तो इस तरीके से एक अच्छा सा चित्र बनाते हुए पौधे का सारे भेदों के नाम उसमें लिखने हैं। आगे हम देखते हैं कि हम सभी अब इन सभी भेदों को हम विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं,
वह और तुम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हो गए? तीन प्रकार के हो गए। जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम सुन रहे हो, तो जैसे तुम क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में कहा जा रहा है वह कहाँ जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले पेज की ओर। अगले पेज पे हमें बता रखा है यहाँ पर, बोलने वाले के लिए मैं और हम, सुनने वाले के लिए तुम और आप, जिसके संबंध में बात कही जाए उसके लिए हम वह, वे, उसे और उन्हें शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि कौन कौन होते हैं। बोलने वाला होता है मैं और हम होंगे, सुनने वाले तुम और आप होंगे, और जिसके बारे में बात की जाएगी वह हो जाएंगे, वह, वे, उसे और उन्हें हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराए, एकदम सही स्टिक बात कहें, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हमें उसकी निश्चितता के बारे में पता चलता है। जैसे इसको आप इस तरह से और स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं कि अपने घर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अब उसका खुद का घर है तो वो तो कंफर्म है ना कि वो उसी का घर है ना, उसको तो पता ही है कि मेरा घर है, तो एकदम निश्चित बात है ये। तो वो क्या करेगा? सामने का घर देख रहे हो, वह मेरा घर है। तो जो वह शब्द का प्रयोग है वो उस वाक्य की निश्चितता को बताता है। तो निश्चितता को बताने के लिए यहाँ पर किन किन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं? यह, वह, वे, ये सब क्या है? निश्चित शब्द हैं जिससे हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का पता चलता है। यहाँ वह सर्वनाम निश्चित रूप से घर संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जा रहा है। वो क्या, उसने क्या किया है? घर शब्द का प्रयोग कर रहा है तो बता रहा है कि वह घर मेरा है, तो घर संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए वह सर्वनाम शब्द यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम अगले भेद की ओर, जिसमें हमें दे रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने इससे पहले देखा था निश्चयवाचक, और आगे हम देख रहे हैं अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी ऐसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जो निश्चित ना होकर अस्पष्ट और अनिश्चित हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक। पहले हमने देखा निश्चयवाचक में सब कुछ निश्चित था तो उसको हमने निश्चयवाचक कहा, और अनिश्चय में सब कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित होता है तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी को कानों कान खबर ना होगी, तो किसी को यहाँ पे क्या है? हमें नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई कुछ नहीं जान सकेगा, तो कोई कुछ यहाँ पे क्या है? अनिश्चय है। बाहर कोई आया है, तो कोई क्या है यहाँ पे? अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ये सभी सर्वनाम शब्द किसी को, कोई, कुछ आदि अनिश्चित शब्दों का प्रयोग किस अनिश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं संबंध वाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध रखते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध रखते हो तो उसे हम संबंध वाचक, संबंध रखने वाले शब्दों को कहते हैं। जिसने बंदूक चलाई थी वह पकड़ा गया। समझ में आ रहा है कि इस शब्द का प्रयोग इस वाले शब्द से संबंध रखता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध रखते हैं तो उसको हम संबंधवाचक कहते हैं। मतलब यहाँ जिसकी बात की जा रही है वही दूसरे वाक्य में इसी की बात की जा रही है, तो ये क्या? संबंध रखते हैं आपस में। जिसने और वह आपस में संबंध रखते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा किसके साथ संबंध रखता है? वैसा के साथ संबंध रखता है। पहले वाक्य में जिसने और वह, वे, ये दो सर्वनाम आए हैं जिनका आपस में संबंध है, और दूसरे वाक्य में जैसा और वैसा, इन दोनों सर्वनामों का भी आपस में संबंध है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे रखा है कमरे में कौन बैठा है, तो हमें नहीं पता कि कौन बैठा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन। किसे पता था कि तुम आज ही आने वाले हो, तो हमें नहीं पता कि किसे पता था कि तुम आज आने वाले हो। किसका हाल बता रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है ना। तो
तो ऐसे हमने देखा कि ये क्या हो गए हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए हैं। इन तीनों वाक्यों में प्रयुक्त कौन, किसे और किसका शब्द प्रश्नवाचक के रूप में किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए सर्वनाम शब्द होते हैं, अतएव ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। स्वयं के लिए कर रहा है कर्ता तो उसे हम निजवाचक कहेंगे। वह स्वयं चला जाएगा तो स्वयं किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, वह अपने लिए कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ जाएगा तो अपने आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बच्चे के लिए प्रयोग किए जा रहे शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अपना कार्य स्वयं करने में शर्म नहीं करनी चाहिए तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आखिरी था हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब आपको खुद से इस अध्याय को एक बार रीड आउट करना है, इन परिभाषाओं को और इसके भेदों को अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी भेद या कोई परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।